का, जल्दी। शादी से पहले बहनें मायका छोड़ के जाती हैं क्या? प्लीज अपनी ये चिकनी चुपड़ी फिल्मी बातें और फिल्मी हरकतें बंद करिए प्लीज। क्या आपको सच में हमारी परवाह है? आप वाकई में जानते हैं कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं? कि हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? हमें वो महल चाहिए जहाँ आप रहते हैं। देंगे? वो महल जहाँ महाराज के साथ आपकी माँ तो रही, पर जिसके दरवाजे हमारी माँ के लिए हमेशा बंद रहे। जिंदगी भर हमारी माँ इस घर में आंसू बहाती रही और महाराज वहाँ अपने महल में जश्न पे जश्न मनाते रहे। वो महल जहाँ अब आप अपनी रानी के साथ ऐश करेंगे। हमें वो महल चाहिए। जाइए जाइए, अपने गेस्ट को अटेंड करिए। महल तुम्हें दे दिया जाएगा, ये तुम्हारे इस फिल्मी भाई का वादा है। किस हक से तुमने बहनों को यह महल देने का प्रॉमिस किया है? सोचा बहनें खुश हो जाएंगी, बट ओनली फॉर माय नॉलेज बाबू, क्या यह महल बहनों की खुशियों से बढ़कर है? ये पूछने का हक युवराज को है, तुम्हें नहीं। क्या मना कर देते? अगर ऐसी बात है तो राजा भैया को हमसे बहुत कुछ सीखना है। क्या कहा तुमने? राजा भैया क्या कहा? अरे अरे जवान भाई, सुनिए सुनिए, सब कुछ सही चल रहा है। देखिए एक दिन आप खुद हमें पुरस्कार देंगे। पुरस्कार चाहिए ना तुम्हें? मतलब ये लो पुरस्कार, फांड कहीं के। संजय, इसी वक्त गाड़ी निकालो और इन्हें उसी मार्केट में छोड़कर आओ जहाँ से इन्हें लेकर आए थे। तुम्हारी रोज रोज की हरकतों को कितना बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। और तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? युवराज को इस पूरे नाटक की जानकारी है। उन्होंने कहा है कि कल उनका राज तिलक होगा। मत भूलो कि वो छुट्टन ड्राइवर भी हमारे हाथ पड़ चुका है। दो हाथ पड़ते उगल देगा कि युवराज को मारने की चाल किसकी थी। दिलवाले, अब तुम्हारी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। आउट, गेट आउट। अरे जिस जगह इंसानियत की कदर नहीं, वो आर्टिस्टों की क्या कदर होगी? चलो भैया चलो। हेलो, क्या हम जब यहां पहुंचे तो युवराज यहां नहीं थे और दीवान साहब, हमें यह नोट यहां मिला। इन्हें लेकर जा रहे हैं। एक रियासत में दो दो युवराजों की जरूरत नहीं। दीवान साहब, मैं ठीक हूं। दीवान साहब, समझिए।